अनुसार होती है और इसके हमने वो हिस्से कर रखे हैं। पहले हिस्से में सभी धर्मों के जो लोग यहाँ स्थित हैं वो अपने अपने धर्मों ग्रंथ से कुछ पाठ पढ़ेंगे और जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें भजन और गीतों के माध्यम से प्रार्थना अंत में जैसा कि गांधी जी की सभी धर्म प्रार्थना में होता रहा है वैसे ही इसका प्रार्थना का अंत राम राम से होगा। आज की प्रार्थना का भी शुरुआत बात जो परंपरा है के हिसाब से बुद्धिस्ट प्रेयर से होगी। उसके बाद महायान सिख प्रेयर जैन प्रेयर हिंदू प्रेयर क्रिश्चियन प्रेयर और इस्लाम प्रेयर इसके बाद भजनों का दौर शुरू होगा। तो भजनों में भी कई नाम है आज का तो शुरुआत पहला हिस्सा है प्रार्थना का। उसकी शुरुआत करते हुए मैं आग्रह करूंगा प्रार्थना बहन बहन जो बुद्धिस्ट प्रार्थना शुरू करेंगी बहन बहन और उनका उनका
On the eve of the 153rd anniversary of Gandhi Jayanti, I offer a few Baha'i prayers for unity and peace and for healing. First in Hindi and then in English. Gandhi Jayanti ke 153rd sankha ke tur main ye Baha'i prarthnaye arpit kar raha hu. हे मेरे परमेश्वर अपने सेवकों के हृदयों को मिलाकर परिपूर्ण कर दे और उनके समक्ष अपने महान आदेश प्रकट कर तेरे आदेश का अनुसरण कर सके और तेरे के विधानों का पालन कर सके इस योग्य उन्हें बना बना हे परमेश्वर उनके प्रयासों में हमें सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर हे प्रभु उन्हें केवल उनके अपने अपने उनके पदों का अपने ज्ञान प्रकाश द्वारा बार बार और उनके हृदयों को अपने प्रेम से आनंदित कर सत्य तो उनका सहायक और उनका स्वामी तेरा नाम नाम मेरा आरोग्य है हे मेरे ईश्वर तेरा सुरक्षण भी मेरी औषधि है तेरा सामर्थ्य भी है मेरी आशा और तेरा प्रेम भी मेरा संरक्षण है मुझ पर तेरी कृपा अनुपम है मेरा जान नाम और इन लोगों का परवर दोनों में मेरी आपका सहाय है वस्तुदाता तू ही है सत्य प्रदाता और ओ माय गॉड यूनाइट माय पीपल ऑन माय सर्वेंट एंड रिवील टू देम थाय ग्रेट पर्पस मे दे फॉलो थाय कमांडमेंट्स एंड अबाइड इन थाय लाइट हेल्प देम टू गो इन द एंडेवर एंड ग्रांट देम स्ट्रेंथ टू सर्व ओ गॉड लीव देम नॉट टू देमसेल्व्स But guide us distance by the light of thy body and cheer them on by thy love. Very good, thou art their emperor and their lord. Thy name is my healing, O my God, and remembrance of thee is my remedy. Dhyanarandani is my hope, and love for thee is my comfort. Thy mercy to me is my strength. And my support in both this world and in the world to come. Thou verily art all bountiful, all knowing, all wise. If all the world have healing and lived it in unity and peace. These are the prayers the Baha'i community offers every day. At the Baha'i Lotus Temple. Prayers revealed by Baha'u'llah, the founder of the Baha'i faith. Thank you. Sorry. बैठे साथ सामने आप बड़ा भागी हो जो महात्मा गांधी जयंती मना रहे हो प्रभु परमात्मा का ही उपदेश है भावे कोई धनी है भावे कोई गरीब है जो मनो मनो इस संसार चंगे कर्म करता है अच्छे काम करता है उसको दुनिया करती है धन को इस संसार बचाने लाई इस संसार के मनुखा उधारण लाई एक मोल मंग जो आप आवे आपको जानता भी हो गए ते आप सारे बोलना भी एक ओंकार
जो मन मनुख उस पर परमात्मा वाहिगुरु उचार विष्णु जो सदा है जो सुख लेके आकर सदा कायम वाला इसकी कोई मूर्त नहीं है उसका कोई आकार नहीं न उपदेश देना करता सब देना प्रेम भाव देना सारिक समान रखता धन धन नाम सति अपनी अंदर सारे संसार समझ अपने संत गुरु सब हर भर में जो इस जीवन मनुख महात्मा गांधी जयंती जित कि जिस भी मन मन दुख है वो खत्म होता हो जाता है वाणी वाणी समझ समझ अल्लाह का नाम का सादा शब्द है औ की घड़ी नांदई अपना अंदर समाए हाय गय कायम को सात पदे प्रभु सब सहाय मेरा मेरा चित आज अंत सदा सहाय पंचुणमुक्ता सर्वतापणासनो मंगलारं च संवेशु पढ़नु
बापू श्री श्री संत संत वो होता है जिसका सहभाव अंत हो जाता है, जो सभी प्राणियों को स्वयं का भाव देता है वही संत। हमारे शास्त्रों में संत की अनेक व्याख्या की गई है। विश्व शांति की कामना के लिए हमें अपने भीतर में संत भाव को जगाना बहुत जरूरी है। जिस दिन दिन ये संत भाव आएगा, विश्व में शांति स्वयं वेदों के अंदर का यजुर्वेद में अध्याय मंत्र 30 में कहा गया है, अर्थात जो पूर्ण संत होता है वे उसे ही अपना शिष्य बनाता है, जो कि समस्त व्यसनों से दूर सदाचारी जीवन जीती। पूर्ण संत उसी से दान ग्रहण करता है जिसने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके दान दक्षिणा में अपने जीवन को व्यतीत किया है। और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति केवल उसी को होती है जो श्रद्धा से भक्ति करने से ईश्वर की आराधना करता है। कहने का अर्थ, जीवन में तीन भाव महत्वपूर्ण है, सदाचार परोपकार के साथ जीवन को जीना और आस्था। ये तीन बातें संतों को बताया। संतों ने कहा कि यदि तेरी व्याख्या को जानना है तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर। बापू के प्रति भगवत गीता के अध्याय का पाठ करते हुए गीता के किसना किसना श्लोक का पाठ अपने जीवन भर करते रहे। गीता में भी संत की व्याख्या करते हुए भगवान स्वयं स्वयं कहते हैं, संसार में आने प्रकार की आस्था विश्वास साधनाएं सब विद्यमान है, लेकिन इन सब शब्दों को जानने के लिए तत्व ज्ञान आवश्यक है। और ये तत्व केवल संत के माध्यम से श्रवण करना चाहिए। इसलिए संत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। संतों ने भी व्याख्या करते हुए कहा कि राम रामचरितमानस एक ऐसी श्रेष्ठ रचना है जो गोस्वामी दास द्वारा संसार में संतों की व्याख्या करती है। इसलिए बंधुलं संसमाचित हितते हित नहि कोई, अंजलिर गत सुब सुब समसुगंध कर कोई, संत सरल चित जगत हित जान भाव बाल कृपा रामचरण प्रति। संत जो है वो
समाज के लिए सदैव लग रहे। जिस प्रकार हाथों के बीच में यदि हम पुष्प को रखते तो ये जो पुष्प है आगे नीचे का हाथ और ऊपर हाथ दोनों में सुंदर दिखता है। ठीक प्रकार संत के दर्शन करने वाला वो चाहे शिष्य हो चाहे भजन हो चाहे साधक हो सब सबका करते हैं। इसलिए संत सदैव जगत के लिए काम करते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए जगत के लिए और सबसे राम चित्त करते हैं। इसलिए गोस्वामी कहते हैं सियाराम सब जग जानी कर प्रणाम जो जुग पाई उमाऊं मैं अनुभव है अपना सत हरि जगत जग जग सब समाना। ईश्वर का नाम सत्य है यही एक मात्र रहने वाला है। सब में सीताराम का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ और सनातन संस्कृति के अनुसार हमें जीवन में सदैव दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए। सर्वे मम सुखिनः सर्वे सब निरामयाः सर्वे मे प्राणाः पशन्तु मा भवतु सुखभाग्यः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, our glory, forever and ever. Amen. हमारे पिता आप जो सुनते हैं आपका नाम माना जाए आपका राज्य आए आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी होगी। हमारे पानी दिन का भोजन आज हा दीजिए और जैसे ऐसे अपने अपराधियों को माफ किया है वैसे ही आप हमारे और हमें परीक्षा परंतु बुराई जाए क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा हेलो इस्लामी शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम ना कर जो बड़ा रहम वाला और बख्शीश करने वाला बड़ा बड़ा पाक सब तरह की तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है बड़ा मेहरबान है निहायत रहने वाला है बदले के दिल का यानी इंसाफ का मालिक है।
हम तेरे ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम तुमको सीधा रास्ता बता, रास्ता उसका जिन पर तूने इनाम दिया अपना परिवर्तन किया, ना कि उसका जिन पर तू गुस्सा हुआ या ना गुमराह हुए उनका। सूर्य को देखा कुलो अल्लाह हर अल्लाह मर लम यमी वलम युलर वलम यक्तनर वन अहर। अल्लाह एक एक अल्लाह बेनियाद अल्लाह का निरपेक्ष एक ना ना जना ना किसी को ना ना वह ना और नहीं है उसके जोर कर यानी उसके बराबर कोई नहीं उसका कोई कोई साझेदार और गांधी जी जो प्रार्थना की परंपरा डाली है उसमें भजनों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और जब भी उन्हें मौका मिला सभी हिस्सों के भजन है जोड़ने की कोशिश की और सब प्रार्थना समृद्ध है। हम भी प्रयोग करते हैं और जब भी ऐसा होता है नए नए लोगों को हम उसमें जोड़ते हैं। तो आज बात भजनों की शुरुआत भी है हमारे बीच डॉक्टर एम के प्रेमा और सेवा ले तमिलनाडु आई है और आज वो प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद और भी कुछ भजन है फिर अंत में राम राम से इस प्रार्थना का अंत होगा। डॉक्टर प्रेमा Yeah.
Ram Chandra Raghunatha Ram
Thank you.
हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अन्नामलाई ने कई आयोजन किया है।
वह एक हमारा जो प्रार्थना सभा रखी है उसमें जैसे हमारी क्षेत्र को एक चुनौती मिली है। जब बोधन का जब सुनती हूँ मैं जो उसकी ध्वनि है तो जैसे हमारी सब चेतना एकदम से एकदम से शक्तिमान हो जाती है। उसके बाद प्रार्थना के जितने भी शब्द थे और अंत में सुंदर वंदे मातरम का और बीच में भजन रघुपति राघव ये सब में एक शक्ति है जो आज हमें जो संचोई है वो अगर हमेशा रह सके क्योंकि क्या होता है उस समय क्षण के लिए तो होता है लेकिन वो हमेशा चलना चाहिए। मुझे याद है कि बापू की प्रार्थना में जब कभी मैं गई मैं लगभग 14 साल की उम्र थी मेरी जब बापू जी गए। उससे पहले जब भी मैं बापू के साथ प्रार्थना में रहती थी तब बापू जी से मैंने एक बार कहा कि भजन सुर में नहीं था तो बापू जी ने कहा ऐसा कभी मत कहो भजन किस भाव से गाए गए ये सुनो। सुर में तो होना चाहिए और बापू जी तो वैसे स्वर के बहुत ज्ञाता थे लेकिन उन्होंने प्रार्थना के जो स्वर का उन्होंने कहा कुछ ऊंचा नीचा हो सकता है लेकिन भावना ठीक रहनी चाहिए। आज अभी जो सुना मंत्र का मैंने इस संत की महिमा उसके बड़े भाई धर्म फिर हमारे बाइबल से जो सुना और फिर ये जो सिख धर्म का सुना सब कुछ उसके पहले जो भी सुना ऐसे जैसे दिल में छू गया है। मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे आज जो ये क्षण है मेरे सामने रह जाए और मैं इसमें सदा जीवन में जो थोड़ा अल्पकाल जो बचा है उसी में बंधित रहूं। आज हमें बहुत आवश्यकता है इस युग में जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है जो बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें कुछ एक दूसरे से अलग कर रही है। तो ये जो सामूहिक प्रार्थना होती है उसकी गजब की शक्ति होती है वो हमें एक साथ लाती है। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ एक श्रोता के नाते आप सबके साथ यहाँ सम्मिलित होके और हमारे सामने साधना जी बैठी है हमारी यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं राही जी हैं और प्रसाद भाई हैं और बाकी सब संजय भाई हैं और सब लोग चारों मैं देख रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको देखते ऐसा लग रहा है जैसे एक परिवार मिले। और प्रेमा जी अभी दक्षिण से आई हैं लेकिन कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपने को ढाला है और कैसे सुंदर तरीके से उन्होंने भजन गाया है सबको देख के जो मैं आभारी हूँ। मैं इस समय इस सामूहिक प्रार्थना के लिए आभारी हूँ जीवन की आभारी हूँ। मैं आप सबको नमस्कार ரொம்ப சந்தோஷம் लिमिट रखना चाहिए।
मैंने उसे दिल से आग्रह करता कि आप भी एक मंदिर बनाना चाहते हैं। गांधी जी के सभा में अनेक संतों पर गाए गाए ऐसे ही एक संत कबीरदास दास उनके परिचय से मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। कबीरा राज जग पैदा होवे जग हसे हम रोए ऐसी कदर दर्ज लो हम हसे जग रो चढ़िया झीले झीली राशरी चढ़िया झीले मंगा चरखाया पाच हस्त मंगा चरखाया पाच मैं चाहूंगा कि आपने अपनी
Thank you.
Oh,
Nali yuddha vam desa
लेकिन कल भी कई बार आए
और आज से ही डिमांड हमारे हमारे पास आ गए तो कल कल जो भी अभी अपनी अपनी प्रस्तुति देना चाहे वो स्वागत स्वागत है। और मैं अगर जा रहे हैं वो रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है ताकि ले और पुनः दोबारा धन्यवाद।